एक्सपेरिमेंटल सिनेमा की मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे लगता है अगर मैं पूरे साउथ इंडस्ट्री को मैं एक बार सबको क्लब करके इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि दे ऑल आर वेरी वेरी टैलेंटेड एंड दे डू डिजर्व ऑल आर लव, कि जितना भी मैं उनके बारे में बोलूँ कम है, लेकिन जो जितनी भी साउथ इंडस्ट्री है और जो भी मेकर्स हैं ना, वो नए चेहरों को लेकर आते हैं, नए चेहरों को लाने से डरते नहीं हैं, और वहाँ की ऑडियंस भी उनको एक्सेप्ट करती है, ये मैंने देखा है। कि जैसे आप मान लीजिए कि इट्स अ प्लेटर ऑफ फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, फॉर एग्जाम्पल, कि साउथ के पास इतने सारे फ्लेवर्स हैं, इतने सारे अलग अलग अपियरेंसेस हैं, लुक्स हैं, और उन फ्लेवर्स में जब आप अपने आप को उन फ्लेवर्स को जब आप ट्राई करते हो, तो आप पूरी तरीके से आपको उसका एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि वो फ्लेवर नया है, उसका लुक नया है, उसका कलर डिफरेंट है, उसका एक्सपीरियंस ही डिफरेंट होता है। वेर एज बॉलीवुड को अगर मैं बोलूँ, इसकी बात करूँ, तो यहाँ पर सिर्फ तीन चार गिने चुने फ्लेवर्स हैं। मान लीजिए वनीला आइस, वनीला हो गया, या चॉकलेट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो उसमें क्या करते हैं कि उसी में ड्राई फ्रूट्स, नट्स डाल के दो चार, और देन दे प्रेजेंट टू यू कि ये देखिए हमारे पास एक नया फ्लेवर है, विच इज़ नॉट फेयर, क्योंकि हमको उसमें कुछ भी नया एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। ऐसे ही मैं एक्टर्स को अगर कंपेयर करती हूँ, तो एक्टर्स का इतना बड़ा प्लेटर है उनके पास, डिफरेंट एक्टर्स हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग भाषा में हैं, अलग अलग लुक्स हैं, अपियरेंसेस हैं, तो जब वो कोई कहानी प्रेजेंट करते हैं, तो मैं उस जय कृष्णा को, उससे मैं पूरी तरीके से अटैच हो जाऊंगी, उस जय कृष्णा से कनेक्ट कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने उसका जो हुलिया देखा है, जो चेहरा देखा है, वो एक मेरे लिए एक नया फेस है, मेरे को लगता है कि हाँ यही होगा जय कृष्णा सच्ची में, सुहास ने जो प्ले किया है। लेकिन अगर बॉलीवुड मान लीजिए, शाहिद कपूर आजकल बहुत रीमेक्स में आ रहे हैं, तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सोचती हूँ कि मैं इस रोल में अगर मैं शाहिद कपूर को देखती, तो मैं बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है हर एक्टर के ना कुछ मैनरिज्म्स होते हैं जो हमेशा वही रहते हैं, सेम रहते हैं। किसी भी एक्टर को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी रोल में ले लीजिए। मैं शाहिद कपूर की बात करें, इन्हीं की बात करते हैं, तो अगर जर्सी, कबीर सिंह, हैदर, अगर मैं इन तीनों मेजर रोल्स में इनको मैं इमेजिन करती हूँ, तो कुछ मैनरिज्म्स होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो कभी नहीं बदलते, सेम रहते हैं, जिसकी वजह से हमें वो एक्टर जो है, हम उसकी एक्टिंग को ना अनलर्न नहीं कर पाते, कि हम उसको पूरा इरेज नहीं कर सकते अपनी मेमोरी से, और इसीलिए हमको प्रॉब्लम होती है जब हम उसको किसी डिफरेंट या रीमेक वाले रोल में देखते हैं। वर्सेस साउथ इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि उनके पास एक्टर्स भी डिफरेंट हैं, उनके पास अगर मैं केयर ऑफ कंचनपल्लम के एक्टर्स की बात कर रही हूँ, तो वो सारे डिफरेंट हैं। अब इन्हीं एक्टर्स, इसी मूवी का अगर मैं रीमेक बॉलीवुड बनाता है, और उसमें वो सलमान खान और आमिर खान और इन सबको ले लेता है, या चलिए मान लीजिए उनको भी नहीं लेता है, नए एक्टर्स को, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, उनको लेता है, तो आपके दिमाग में ना एक प्री कंसीव्ड नोशन है, हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में होता है कि एक वो प्री कंसीव्ड इमेज होती है जो कभी नहीं हटती। उनके बोलने से, उनकी डायलॉग डिलीवरी से हम परिचित हैं पहले से, हम उसको जानते हैं, हम सुन चुके हैं, तो इसलिए हमको वो रोल में कुछ भी नयापन लाकर नहीं देते, एक्सेप्ट वन और टू एक्टर्स जो पूरी तरीके से बिल्कुल ही नए हो जाते हैं। इनमें मैं आर्ट सिनेमा वाले जितने हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, मैं कमर्शियल एक्टर्स की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ साउथ सिनेमा, कि उनके पास अगर नए रोल हैं, नई स्क्रिप्ट्स हैं, तो नए एक्टर्स भी हैं, इतने ही एक्टर्स भी हैं, और ऑडियंस भी इतनी ही इंटेलिजेंट है कि वो उन सबको एक्सेप्ट करती है। वेर एज बॉलीवुड में क्या हो रहा है, या बॉम्बे में क्या हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है, कि हमें नए एक्टर्स को हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, ये लोग, हम ये सोचते हैं कि यार इस रोल में तो इसको होना चाहिए था, इस रोल में तो उसको होना चाहिए था, इसीलिए हमें कुछ नया कभी नहीं मिलता। जब तक हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर, तब तक हमारे लिए कोई नया कोई कुछ क्यों करेगा यार, सिंपल सी बात है। सो वी हैव टू बी सिलेक्टिव, अपने व्यूअर, हम जो कंटेंट देख रहे हैं उसमें हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। अगर हम वेब सीरीज में इतने सिलेक्टिव हो सकते हैं, तो मूवीज में क्यों नहीं हो रहे हैं, और अब हो रहे हैं वैसे, बाय द वे, तो बॉलीवुड कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं मूवीज को। जर्सी में भी स्पेशली यही हुआ कि मुझे वो नानी को इमिटेट करने के चक्कर में शाहिद कपूर ना इधर के ना उधर के रहे हैं, प्लस कबीर सिंह में भी यही हुआ कि वो विजय देवराकोंडा को इमिटेट करने के चक्कर में ना इधर के ना उधर के रहे। तो आज की डेट में शाहिद कपूर मुझे ना, तो उनकी कोई यूएसपी ही मुझे समझ में आ रही है, याद रही, हम कंफ्यूज एज अ व्यूअर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या किया है, या वो क्या कर सकते हैं, उनकी यूएसपी क्या है। सो आई थिंक दिस इज वॉट वी एज एन ऑडियंस वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज ऑल दिस एंड दिस इज वॉट एज मेकर्स अदर्स हैव टू अंडरस्टैंड, कि व्यूअर्स को अगर नई स्क्रिप्ट आप दिखा रहे हो, तो नए चेहरे भी लेकर आओ, धीरे 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 एक्सेप्टेंस आएगा। अभी मैंने मधु बडलारा जो देखी, उसमें सारे नए एक्टर्स मुझे लग रहे थे, मुझे मुझे लग रहा था कि यार यही होगा,
जो बाबू है वो यही होगा, या येसु यही होगा, या रियलिटी में भी इनके यही नाम होते होंगे. सो दिस इज, आई थिंक दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड. अगर हम यही बाबू येसु के रोल में इन एक्टर्स को ले आए, बॉलीवुड एक्टर्स को, तो या कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये दोनों चीजें कैसे लिंक्ड हैं और कैसे बॉलीवुड डिस्कनेक्टेड है अपनी ऑडियंस से. और ऑडियंस को भी पता नहीं है कि उनको, जब तक वो अपने टेस्ट को इवॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक उनके पास नया कुछ नहीं आने वाला है. सो आई होप दैट यू लाइक दिस एनालिसिस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, विच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट.